अगेती फूलगोभी की बढ़वार या कटाई का समय है। इसमें उचित सिंचाई प्रबंधन, खरपतवार नियंत्रण और उर्वरकों का प्रबंधन और साथ ही साथ कीट बीमारियों की उत्तम प्रबंधन करने की आवश्यकता होती है। सिंचाई के लिए लगभग 5 से 7 दिन के अंतराल पर मध्यम सिंचाई करें। खरपतवार नियंत्रण के लिए लगभग 35 से 40 दिन की जब फसल हो जाती है तो निराई गुड़ाई करवा के मिट्टी चढ़ाने की व्यवस्था करें। उर्वरकों के प्रबंधन के लिए जो बची हुई शेष मात्रा है लगभग 60 किलो नत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से अवश्य डलवाएँ। और साथ ही साथ रोग और कीड़ों की बात करें तो अगेती फूलगोभी में 2 मुख्य रोग हैं, एक पत्ती काला पत्ती धब्बा रोग जिसको भूरा पत्ती धब्बा रोग भी कहते हैं और साथ ही काला सड़न। इसमें जो भूरा पत्ती धब्बा रोग है उसमें गोल आकार के पत्तों पर हल्के धब्बे बनते हैं जो धीरे धीरे बाद में फूल के ऊपर भी दिखाई देने लग जाते हैं, जिससे बाजार भाव नगण्य हो जाता है। इसकी रोकथाम के लिए मैंकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर या इंडोफिल M45 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव करें। आवश्यकता पड़ने पर छिड़काव 10 दिन के अंतराल पर दोबारा से करें। जो काला सड़न बीमारी है उसमें पत्तों के ऊपर कोणीय आकार के पत्तों के सिरों की तरफ धब्बे बनते हैं और ये एक जीवाणुजनित बीमारी है। इसकी रोकथाम के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 400 ग्राम और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 40 ग्राम प्रति 200 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति एकड़ में छिड़काव करें। साथ ही इन दोनों बीमारियों से ग्रसित पत्ते हैं उनको खेत से निकालकर गड्ढे में जरूर दबाएं। कीड़ों की बात करें तो 2 मुख्य कीड़े इस समय आते हैं, एक है जिसको तंबाकू की सुंडी कहते हैं और दूसरा है पात गोभी की तितली। तंबाकू की सुंडी है वो हल्की मटमेले रंग की होती है और पात गोभी की तितली की जो सुंडी है वो हरे रंग की होती है लेकिन उस पर काले धब्बे होते हैं। इन दोनों की विशेषता ये है कि शुरुआती अवस्था में पत्तों को खुर्च करके खाते हैं और इसमें पत्तों को नीचे की तरफ ऐसे पत्तों को देखते हैं तो एक झुंड में बहुत सारी सुंडियाँ दिखाई देती हैं। इसलिए किसान भाई इसको ऐसे पत्तों को खेत से निकाल करके बाल्टी में डाल के और किसी गड्ढे में दबाएं जिससे कि ज़्यादा तितलियां ना बने। इनके बचाव की बात करें जो इंडोक्सिकार्ब 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से या स्पाइनोसाइड 3 ml प्रति 10 लीटर के हिसाब से छिड़काव अवश्य करें। समय रहते यदि किसान ट्रैप लगाते हैं जिसको फेरोमोन ट्रैप्स कहते हैं वो लगाते हैं तो जो तंबाकू की सुंडी है उसकी समस्या और कम हो जाती है। इसके लिए लगभग 13 से 15 ट्रैप्स प्रति हेक्टेयर की दर से लगाने होते हैं। साथ ही यदि बात करें मध्य पछेती समूह की जिसकी अभी बुआई का समय हो गया है और किसान भाई इसकी बुआई कर रहे हैं, एक बात महत्वपूर्ण है खेत की तैयारी। लगभग अच्छी तैयार 25 टन गोबर के खाद प्रति हेक्टेयर की दर से मिलाएं और साथ ही साथ 120 किलो नत्रजन, 50 से 60 किलो फॉस्फोरस और 50 से 60 किलो पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से अवश्य दें। साथ ही साथ यदि एक सलाह और भी है कि जो किसान अगेती फूलगोभी की खेती कर रहे हैं और उनमें उन खेतों में यदि बोरॉन की कमी दिखाई देती है या कैल्शियम की कमी दिखाई देती है ऐसे क्षेत्रों में बोरेक्स 0.3% का घोल का छिड़काव करें और कैल्शियम के लिए लगभग 300 किलो भुजा हुआ चूना प्रति हेक्टेयर की दर से अवश्य दें। इसके साथ ही जो पछेती समूह है जिसको स्नोबॉल कॉलीफ्लोर भी कहते हैं उसकी भी बुआई का समय आने वाला है अक्टूबर के महीने में, उसके लिए उचित किस्मों की व्यवस्था करें। यदि स्नोबॉल समूह की बात करें तो पूसा स्नोबॉल KT25, पूसा स्नोबॉल K1 और पूसा स्नोबॉल हाइब्रिड 1 और पूसा कॉलीफ्लोर हाइब्रिड 103, ये किस्में हैं जो अभी अक्टूबर या नवंबर 15 तक लगाई जा सकती हैं। इसके बीज की व्यवस्था किसान भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली या इस संस्थान के केंद्रीय कार्यालय कटराइन से इसके बीज मंगवाए जा सकते हैं और इसके लिए लगभग 400 से 500 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से आवश्यकता होती है। विशेष ध्यान रखें कि हमेशा बीज की बुआई के समय 2 ग्राम प्रति किलो की दर से अवश्य उपचारित करें।